वेलकम बैक। आज मैं कुछ स्पेशल अलग सा अतरंगी सी चीज करने वाली हूँ। आई डोंट नो इस वीडियो का एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। पूरी वीडियो फुल ऑन सस्पेंस से भरी है, मुझे नहीं पता क्या होगा। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगी, डेफिनेटली लगने वाली है। तो मैं आज की वीडियो में, तो मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए, लेट मी शो यू। तो ये मेरे एकदम हिप्स के नीचे तक जा रहे हैं आप। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं बैठती हूँ मेरे बाल हिप्स के नीचे आ जाते हैं और वो दब करके टूट जाते हैं। फिर बालों में हाथ डाला तो पांच छह बाल ऐसे टूट टूट के निकल रहे हैं मेरे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है अपने लंबे बालों से। तो मैं इसको कट करने वाली हूँ। मैंने YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे जहाँ पे लड़कियां अपने बाल काटती थी और सिखा रही थी कि घर पे अपने बाल खुद से कैसे काट सकते हो। आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज कहीं भी जाते हो, आपके पास टाइम नहीं मिल पाता है कि पार्लर जाओ स्पेशली बाल कटाने के लिए, तो आप ऐसे भी खुद से अपने बाल खुद काट सकते हो। पैसे की भी बचत हो जाती है और एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है। तो मैं अपने बालों के साथ करने वाली हूँ एक्सपेरिमेंट, हाउ टू कट लॉन्ग हेयर एट होम। का जो हेयर कट आया है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने जो एकदम प्रोफेशनल तरीके पे ट्रेनिंग दिया है तो मुझे सही लग रहा है। लेकिन इन्होंने अपने बाल बहुत ज्यादा छोटे किए, मैं इतने ज्यादा छोटे नहीं करना चाहती हूँ, लेट्स सी कितने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है बालों में अच्छे से कंघी कर लो। तो नेक्स्ट उन्होंने गार्बेज बैग लिया है, शायद जो बाल हम कट करेंगे वो कपड़ों के ऊपर ना आए इसलिए गार्बेज बैग बोला है। तो मेरे पास गार्बेज बैग नहीं है, आज ही मेरे घर में गार्बेज बैग खत्म हो गया। तो ये प्रिंस ज़ारा से कुछ बैग बैग लेके आए थे तो इसके अंदर था, तो ये समहाउ मैं डीआईवाई कर रही हूँ, मैं इसको यूज करूंगी ताकि बाल जो टूटे वो मेरे कपड़ों में ना गिरे। हालांकि मेरे बाल इस गार्बेज बैग से बहुत ज्यादा लंबे हैं और काटना मुझे नीचे से है। वो वाली कहावत याद आ रही है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। मेरे बाल कटेंगे कितने और मेरे कपड़े बचेंगे कितने इससे। बालों को गीला कर लेती हूँ। एक्चुअली जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं है, तो अब मेरे दोनों तरफ बाल इक्वल है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज मैंने कौन सा लिप शेड लगा रखा है। तो ये फेसेस का बुलेट लिपस्टिक है जो कि एकदम न्यू से प्यारे से पिंकिश कलर में है, कंफर्टेबल है लिप्स के ऊपर डेली वेयर के लिए। ऑफिस कॉलेज जा रहे हो आप तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई कर सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग, स्मज प्रूफ और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग विंटर सीजन के लिए ये वाली लिपस्टिक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गाइस क्रिसमस सेल चल रहा है, अप टू 50% ऑफ प्लस 10% ऑफ आपको कूपन कोड पे मिल जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स इसमें शामिल हैं जैसे कि प्लम्प है, स्कॉच ऑफ लॉरियल, लैक्मे, बायोटिक, बहुत सारे अनगिनत ब्रांड्स हैं, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगी लेकिन बहुत सारे जो भी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा है, आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। मेकअप के भी ब्रांड्स हैं, रेवोल्यूशन, लैक्मे, एले, मिलाने, वेड एंड वाइल्ड, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको प्लम्प का हैंड क्रीम दिखा रही हूँ विंटर्स के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो जब भी हैंड वॉश करते हो तो हैंड ना एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। तो गैस प्लम्प पे 15% ऑफ आपको मिल जाता है, फ्लैट 15%, और फ्री ग्रीन टी फेस वॉश भी आपको मिलता है अगर आप परचेज करें 699 का कुछ भी। तो ऐसे ही जैसे अरोमा मैजिक में आपको फ्लैट 20%, हिमालय में अप टू 30%, बायोटिक में बाय टू गेट टू फ्री का ऑफर आपको मिलता है। ये प्लम का बहुत ही अच्छा नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग हैंड क्रीम मैं आपको दिखा रही हूँ, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बायोटिक में आप ग्रीन एप्पल शैम्पू और कंडीशनर भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर यूज़ करना चाहिए बट ये वाला क्लेम करता है कि ये सिर्फ शैम्पू ही कंडीशनर का काम कर देता है। देन लिवॉन सिरम, हर लड़की के पास लिवॉन सिरम होना चाहिए अगर आप इंस्टेंटली अपने बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट बनाना चाहते हो। तो ज़रा सा कुछ बूंदे आपको लेना होता है, बालों में लगा लीजिए और एंड यू आर सेट टू गो। मतलब बिना पार्लर जाए आपके बाल में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। देन अगर आप फेशियल करना चाहते हैं तो आप टर्मरिक फेशियल ट्राई कर सकते हैं एल्प्स गुडनेस का, इसके ऊपर भी ऑफर चल रहा है, बाय थ्री एंड गेट थ्री फ्री। स्टेप वाइज फेशियल के लिए आपको सारे पाउचेस मिल जाते हैं, दो तीन लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रूप मंत्रा का हल्दी चंदन फेस पैक भी ट्राई कर सकते हो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, नेचुरल है। एंड देन जरा सा आपको लेना है, फेस के ऊपर लगाना है, बहुत अच्छा वर्क करता है, क्रीम फॉर्मूला, ऐसा फील आता है कि क्रीमी फेस पैक है।
और इसको वॉश आउट करने के बाद भी आपके हैंड्स फेस जहाँ पर भी आप लगाओगे ना तो बहुत अच्छा ग्लो करेगा और मॉइस्चराइज हो जाएगा। विंटर सीजन के लिए काफ़ी अच्छा फेस पैक है। सनसेट एवर यूथ का गोल्डन पील ऑफ मास्क ट्राई कर सकते हो। एवर यूथ में भी आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल एवर यूथ के प्रोडक्ट्स आपको कहीं से भी मिल जाते हैं लेकिन 20% ऑफ आपको सिर्फ वहीं से मिलेगा जो लिंक दे रही हूँ। आप निविया भी ट्राई कर सकते हो, निविया के ऊपर भी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। ये निविया का फेस वॉश दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग में, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है और अच्छे से स्किन को क्लीन कर देता है। तो गाइस इन सब का लिंक दे रखा है, यू कैन चेक दैट आउट। ये इक्वल कर लिया मैंने, आई एम गोइंग टू कट माय हेयर। मैं ये काम करने तो जा रही हूं पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सही कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस जीरो है मेरे अंदर क्योंकि पहली बार कर रही हूं। नो 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 अलविदा बाला अलविदा। सीधा नहीं कट रहा अब तो हो गया, अब हो गया। धरती पे नाई भगवान ने भेजा है नौवा सलून वाले। अगर तुम ही काटने लग जाओगे ये सभी अपने बाल काटने लग जाएंगे बेचारे, वो भूखे मर जाएंगे। ओए देखो बाद में देखो, रबर बैंड से पकड़ने चाहिए टाइट, तुम जब काटे ऊपर नीचे हो गए। यार ये तो बहुत गलत हो गया यार, इसको ऐसे नहीं कटना, तो ये तो बहुत ही गंदा कटा है। मैं दिखाती हूं पास से। अबे नीचे से भी तो छोटे बड़े लग रहे हैं। ये तो पता नहीं कैसे कट गया, यहाँ से ज्यादा कट गया। ये देखो शिट यार, ऊपर से शिट यार। तो मैं ऐसे अपने बालों को काटती हूँ। हे भगवान, ये मेरा सत्यानाश कर रही हूँ, बहुत गलत कट रहा है मेरे से, तो शेप भी नहीं आ रही। जल्दी काटो नीचे फिसल जाएंगे, फिसल कर आज मत काट लेना। पता नहीं क्या कट रहा है यार, ये घास काट रही है तो। यार ये तो बहुत ही गलत कट गया यार, ये तो समझ नहीं आ रहा है क्या कट रहा है, ये क्या कट रहा है। छोटे बड़े कर ले तुमने, दैट्स रियली सैड। और यार ये तो सही से कट ही नहीं रहा है यार, बाल काटना आसान नहीं है, दिस इज रियली डिफिकल्ट यार, ये तो कट ही नहीं रहा, ये तो बहुत गलत कट रहा है। अब उन्होंने फ्रंट पोनी बनाई है तो लेट्स मेक फ्रंट पोनी। ये वाला स्टाइल तो बहुत सारे वीडियोस में देखा है, लोग अपने बालों को फ्रंट पोनी बनाते हैं और फिर हेयर कट करते हैं। अब पता नहीं कितने बाल मेरे जाएंगे। सो गाइस इस तरीके से फ्रंट पोनी बनाई है, भाई कितने बाल कट जाएंगे इससे। तो गाइस जिसका ट्यूटोरियल मैं फॉलो कर रही हूँ उनके बाल काफी छोटे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी और का हेयर कट का मेथड फॉलो करना चाहिए। तो अभी मैंने देखा एक और मैडम अपने बाल काट रही थी तो उन्होंने इस तरीके से रबर बैंड लगाया था, ये इस तरीके से, और फिर उसके बाद उन्होंने हेयर कट किया है। तो अब मैं अपने बाल कट करती हूँ यहाँ से, आई होप ज्यादा छोटे ना काट दूं मैं, आई थिंक इतना काफी है। यार लेकिन ये तो सीधे कट ही नहीं रहे मेरे से, लोग फिर वो लोग ना बालों को ऐसे ऐसे कट करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ये ऐसे ऐसे। ओके ओके सो फाइनली तो हेयर कट हो गया है, लेट्स सी अब खोल करके देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैसा है। मुझे पूरी उम्मीद है अपने से कि मैंने बहुत बकवास काटे हैं अपने बाल, लेट्स सी ज्यादा छोटे ना कट गए हो। ऐसा होता है ना बाल, हम जब भी कटाने जाते हैं पार्लर में उनको बहुत ही एक इंच काटना और वो काफी छोटे काट देते हैं। ओके सत्यानाश, दिस इज सो बैड, मेरा हेयर एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जैसे ही वीडियोस देखी थी वो लोग ऐसे खट खट खच खच काटते और उनके बाल अच्छे कट जाते, लेकिन मेरे बाल अच्छे नहीं कटे। सो चलो जो लोग कर पाते हैं गुड लक टू देम, बहुत क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होते होंगे, मुझसे तो नहीं हो पाया। एक्चुअली ये कुतरे हुए बाल है पर लेंथ काफी छोटी हो गई यार, मेरे को इतना छोटा भी नहीं चाहिए था। अब देखो बाल कटवाने जाऊंगी तो वो कितना छोटा करते हैं, क्योंकि पार्लर वाले हमेशा बालों को छोटा काट देते हैं। लेट्स सी। सो गाइस मैं रेडी हूँ, बस प्रिंस का वेट कर रही हूँ, तैयार होने में टाइम लगा रहे हैं, जल्दी आओ प्रिंस। मैं तैयार व्यार नहीं हुआ, तुम वहाँ सलून में जाओगे उससे पहले मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। तुम्हें ट्राई कर लिया ना, मैं ट्राई करता हूँ, देखो तुम मेरे बाल काटोगे। हाँ लेवल में करूंगा जो तुमने गलत काटा, दिखाओ ना निकालो। ओके सो गाइस प्रिंस
मेरा हेयर कट देने वाले हैं। वो पानी पानी गीला करना होता है बाबू, पहले पानी गीला करना होता है। पानी अभी हम गीला करेंगे। किस चीज से गीला करेंगे पानी? मेरे बालों को पानी से गीला कर दो। मेरे बालों को पानी से गीला कर दो। सॉरी, एक्साइटेड हो गई थी ना इसलिए। मेरे कपड़ों को गीला मत करना। ये पहली बार आया लगता है आपसे। वो लोग शीट पहनाते हैं, आपने शीट पहनाई नहीं है ना। हो गया। मैं कंघी में छोटे मोटे काम नहीं करता, कंघी खुद करो। यहाँ पर सेल्फ है। छोटे मोटे काम को जो यहाँ यहाँ के छोटे बाल है उसके लेवल में करने हैं। तो देखो स्ट्रेट चाहिए मुझे नीचे से। अब तुम कैसे करोगे? तो इसको और छोटा तो नहीं कर सकते, पर तुमने ज्यादा छोटा किया है यहाँ से। यहाँ से पहले से तुमने इतना ऊंचा काट रखा है यार, नीचे से वो भी यहाँ तक काट रखे पीछे के बाद। आप क्या कहते हो? रेखा कहती है यहाँ तक बाल कट कर दो। कर दो क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ, आज दिखा दो, आज काट दो। बड़ी कैंची, बड़ी कैंची में धार नहीं है। काट दो ना। हाँ सच बताओ। हाँ मुझे पता था नहीं काटेंगे, प्रिंस की जान है मेरे बालों में। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रूफ कर दूंगा जान नहीं है। काट के दिखाओ, चलो टेढ़े मेढ़े कट जाएंगे, फिर एंगल नहीं बनेगा। पछता होगी तो काट दो, यहाँ तक काट दो। चलो चपरा मान जाऊंगी तुम्हें कि तुम असली मर दो। असली मर दो। इतना ही बुरा नहीं है। देखो क्या हुआ, तुमने इतने छोटे बाल कर दिए। अरे तो कुछ ज्यादा ही हो। तुमने क्या किया इतने छोटे? ये स्टाइल है इतने छोटे। ये देखो, ये है पैरेट कट। ये देखो क्या है हिस्सा, ये देखो। आओ आगे, इतने नीचे बाल है। ओ माय गॉड गाइस, इतने बड़े बड़े बाल काट दिए मेरे। चलो गिराओ मत मेरे बाल। यहाँ तक तुमने हाफ कर दिए प्रिंस। कोई नहीं बाबू, तुमने कहा था यहाँ तक चाहिए ना तुम्हें। कोई नहीं, अब यहाँ। अब तुम मजाक कर रहे थे, सच में इतने थोड़ी ना चाहिए थे। अब क्या करें, अब इसको भी थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। नहीं बाबू, अब तो अब नहीं, अब तुमसे नहीं कराऊंगी। अब तो मेरे बाल एकदम कुतर लोगे। नहीं नहीं, मैं मेरे को इतने छोटे बाल नहीं चाहिए थे। आगे आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, बहुत ज्यादा छोटे कर दिए बाबू। सिर्फ क्या करना है, छोटा कर दिया है तुमने। ये वाले बाल कटवाएंगे, अभी काट के दिखाता हूँ, दो मिनट रुको। अरे छोटे यहाँ तक हो, पीछे यहाँ तक हो छोटे। पर पीछे से कैसे, पीछे से तो इक्वल लग रहे ना तुम्हें। फिर तो ना क्या हुआ, आगे के इक्वल हो गए, पीछे के छोटे हो गए, ऐसा कुछ। पीछे से इक्वल है सब, देख तो ऐसे ही रहे। तुम्हें इतना काटने के लिए किसने बोला था? बाबू बहुत अच्छे काटे। अच्छा नहीं काटा है गाइस, आप बताओ आपको ये हेयर कट अच्छा लग रहा है? मेरे इतने छोटे बाल अच्छे लग रहे हैं, मेरे इतने बाल थे, तुमने इतना कर दिया प्रिंस। हाफ काट दिए तुमने मेरे बाल। तुम तो यहां तक कह रही थी ना, वो तुम मजाक कर रही थी। ओ मैं सीरियस हो गया। मैं पता है मैं ऐसे कट कभी नहीं कराऊंगी। मेरा एक्सपेरिमेंट वेंट रॉन्ग गाइस। अब इसको लेवल पे करने के लिए पार्लर जाना ही पड़ेगा। अच्छा घर पे काट लेंगे, लोगों को सिखा भी देंगे। मत करना मेरी जैसे हो तो, एक्सपोर्टर तो कर लेना। तो अब फाइनली जाती हूँ मैं वहाँ। बाय फ्रेंड्स। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपने हेयर कट के लिए। सो गाइस मैं निकल चुकी हूँ, वॉश भी करा ही लूँगी। इतने लंबे वालों को धोना थोड़ा आफत होता है फ्रेंड्स, बाद में आएंगे। सो गाइस मैं सलून में आ गई हूँ अपने हेयर कट और हेयर वॉश के लिए। अगर आप मेरे बालों की लेंथ देखोगे ना, मैंने अपने बाल खुद से कट किए हैं घर पे। तो कैसे कट किए हैं आप बताओगे? वो रबर बैंड लगा के मैंने कट किया था, फिर भी नहीं स्ट्रेट कटे। उसको पता चलता है ना कि कैसे करते हैं। आप अपने रबर बैंड से काटोगे तो अलग हो जाता है। हेयर स्टाइलिस्ट करते हैं वो अपने ध्यान से करते हैं कि कैसे मुझे लेंथ पीछे कैसा स्ट्रेट हो। हाँ हाँ, तो आपने अपनी तरफ से किया हो ना, तो हाँ कंफ्यूजन होता है फिर। अच्छा बराबर से नहीं आता, फिर भी स्ट्रेट कट है यहाँ आगे पीछे। अच्छा कोई हैक, कोई डीआईवाई नहीं है कि घर पे कोई खुद से हेयर कट कर पाए। तो गाइस आप अपने बाल घर पे खुद से नहीं कट कर सकते। तो लेट्स सी, आप हेयर वॉश के बाद कट करोगे ना? ठीक है ओके।
ओके एक और एक्सपेरिमेंटल DIY ब्यूटी फैशन हैक में। तब तक के लिए बाय।